नमस्कार, जय हिंद साथियों। सुप्रीम कोर्ट ने बॉलीवुड के एक बहुत ही फेमस डायलॉग पर क्या किया, बैन लगा दिया बिना कुछ बोले। अब बॉलीवुड में उस डायलॉग को नहीं यूज किया जाएगा। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि कानून अंधा है और अंधे कानून से क्या हो पाएगा। गोविंदा का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है कि तू तो अंधा है, तुझसे क्या होगा, और मूवी बनी अंधा कानून। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। और हाल ही में जब जॉली एलएलबी मूवी आई तो उसमें जज साहब बोलते हैं कि कानून अंधा है लेकिन मैं नहीं। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने देखी होंगी। तो अब कानून अंधा, अंधा कानून जैसी जो चीजें हैं ये बॉलीवुड में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो अंधे कानून की एक मूर्ति थी, यानी कि जो जस्टिस ऑफ लेडी थी जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, उस मूर्ति को अब रिप्लेस कर दिया गया है और आंखों की पट्टी को हटा दिया गया है। जानेंगे इस वीडियो में पूरी सच्चाई, चंचूर जी ने क्यों इसको हटवाया, इस मूर्ति में क्या खास है, जो पहले की मूर्ति थी वो कहाँ से आई थी, किसने लाया था, और जो जस्टिस ऑफ लेडी यानी कि न्याय की देवी का जो एक संकल्पना है, जो एक इसका थ्योरी है, वो कहाँ से आई थी, इन सब चीजों को यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले इस मूर्ति को देखिएगा। यहाँ पर क्या है, ये सफेद संगमरमर की बनी मूर्ति है जो अब सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई। तराजू ज्यों का त्यों है, क्योंकि ये क्या दर्शाएगा, ये दर्शाएगा कि समाज में सभी लोगों क्या है, बराबर अधिकार जो है वो प्रदान किए गए हैं। यहाँ पर इनके हाथ में आपको एक बुक दिखेगी, ये क्या है, ये संविधान की बुक है। आंखों पर एक पट्टी थी, वो पट्टी हटा दी गई है। तो यहाँ पर देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ऑफ लेडी जो है, लेडी ऑफ जस्टिस जो है, सॉरी, तो लेडी ऑफ जो जस्टिस हैं, इनकी नई मूर्ति लगाई गई, नया स्टेचू इनका लगाया गया और पट्टी हटा दी गई जो कानून के अंधा होने का संकेत देती थी। क्लियर? देखिए, ये एक अवधारणा है कि कानून अंधा है। पट्टी जो लगी थी उसका सीधा सा मतलब ये था कि कानून जो है वो बंद आंखों से भी सभी को एक समान नजर से ही देखेगा। क्लियर? तो यहाँ पर जो ये गलत अवधारणा फैलाई गई यूट्यूब पे, बहुत सारे बड़े बड़े जो आपके एजुकेटर्स हैं उन्होंने भी इसको यहीं पर लाके खत्म किया कि कानून अंधा है। तो एक्चुअली में कानून अंधा नहीं है और ना ही कभी कानून अंधा था। उसकी अवधारणा जो थी आंखों पर पट्टी बंधे होने की, वो सिर्फ इतनी थी कि कानून की अगर आंखें बंद भी हैं तो वो समाज में सभी लोगों को एक ही नजर से देखेगा। क्लियर? तो सिर्फ और सिर्फ इसका इतना मतलब था। और दूसरी चीज, यहाँ पर हाथ में तलवार थी, उसकी जगह पर अब क्या दे दिया गया, संविधान की किताब जो है वो दे दी गई है। क्लियर? तो अगर आप देखेंगे नई मूर्ति में तो आंखें क्या है, तो आंखों पर बंधी पट्टी हटा दी गई, बाएं हाथ में क्या है, तलवार की जगह पर संविधान की किताब है। रंग क्या है, तो मूर्ति पहले काले कलर की थी, अब ये क्या हो गई है, सफेद कलर की हो गई है। यानी कि पहले जो कानून था वो काला था, अब कानून गोरा हो गया है। क्लियर? दाएं हाथ में एक तराजू है जो बैलेंस बनाए हुए है। तो इसमें ये है कि समाज में ये तराजू क्या है, संतुलन क्या है, बनाए रखता है, सभी लोगों को समान न्याय जो है वो प्रदान करता है। सबसे इंपॉर्टेंट है परिधान, जो आपने कहीं नहीं पढ़ा, परिधान क्या है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य का परिधान यहाँ पर प्रयोग किया गया है। क्लियर? अगर आप देखें, अब ब्रिटिश काल की, इसको बोला जा रहा है कि हमने क्या किया, ब्रिटिश काल के एक विरासत को समाप्त कर दिया। अगर बात करें अगर इसी चीज की, तो ये जो मूर्ति है वो लगभग 17वीं सदी में एक ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा भारत लाई गई थी और उसके बाद इसको न्यायालयों में रखा गया था। क्लियर? और जब ये लाई गई थी तब यहां पर अगर आप देखेंगे तो आंखों पर पट्टी थी, हाथ में तलवार था और दूसरे हाथ में तराजू। क्लियर? तो और ड्रेस जो है वो क्या था, वो क्रिश्चियन ड्रेस था, मतलब ईसाई जो परिधान होते हैं उनको प्रदर्शित कर रहा था। तो इन सब चीजों को यहाँ पर बदला गया और इसी को ऐसा बताया जा रहा है कि ये क्या है, ये ब्रिटिश जो एक हमारे यहाँ चला आ रहा विरासत था, उस ब्रिटिश विरासत को समाप्त करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। और इसी में आपने पहले भी देखा होगा, तो 1 जुलाई से BNS और BNSS जो है वो की गई। क्लियर? अगर आप देखेंगे दोनों मूर्तियों में तुलना करेंगे, तो पहले जो मूर्ति थी वो धातु या पत्थर की मूर्ति थी, अब क्या है, सफेद रंग की मूर्ति हो चुकी है। पहले पाश्चात्य परिधान था, यानी कि ये ईसाई परिधान था, अब क्या है, भारतीय परिधान है।
आंखों पर पट्टी क्या दर्शाता था कि कानून निष्पक्ष है। अब पट्टी हटा दी गई, इसका क्या अर्थ हुआ? न्याय सभी के लिए समान है। हाथ में तराजू पहले भी था, अभी भी है, और तलवार जो है पहले थी, अब उसके जगह पर अब संविधान की एक बुक यहाँ पर रख दी गई है। क्लियर? अगर आप इस इतिहास को देखें तो इतिहास जो है ये रोमन जो साम्राज्य था वहां से चला आ रहा है। तो ग्रीक में एक देवी थी थीमिस। थीमिस को क्या बोला जाता था? कानून व्यवस्था और न्याय की देवी बोला जाता था। उसके बाद यहीं से रोम साम्राज्य में जो सम्राट थे जिनका नाम था ऑगस्टस, ऑगस्टस ने एक देवी बनाई और उसकी मूर्ति की स्थापना की जिसका नाम था जस्टिसिया। जस्टिसिया को क्या बोला गया? लेडी ऑफ जस्टिस बोला गया। क्या बोला गया इनको? लेडी ऑफ जस्टिस बोला गया, यानी कि न्याय की देवी बोला गया। किसको? जस्टिसिया को। फिर इन्होंने एक मंदिर बनवाया, वहां पर इसको स्थापित किया, और उसके बाद धीरे धीरे ये शासन में इसका यूज किया जाने लगा। अगर आप इसमें प्रतीक जो है उनकी बात करें तो जो संतुलित तराजू दिखाया गया है आपको, तो संतुलित तराजू का सिर्फ इतना मतलब होता है कि ये निष्पक्ष कानून है और जो समाज में समता है उसको बैलेंस बनाकर चलेगा। क्लियर? मतलब कि जो एक तरह से कानून के तराजू पर सभी लोगों को समान रूप से तौला जाएगा। ठीक है? कोई भी गरीब, कोई भी अमीर, कोई भी विशेष, कोई भी नेता, कोई भी अभिनेता कुछ यहाँ पर नहीं माना जाएगा। क्लियर? तो ये चीज है। ठीक है? उसके बाद तलवार क्या दर्शाती थी? तलवार दर्शाती थी कि यह कानून प्रवर्तन और सम्मान, ठीक है, क्या कानून का लागू होना और सम्मान को दर्शाती थी। ठीक है? अब इसमें भी अगर देखिए, तलवार खुली हुई है तो यह संकेत देता था कि न्याय पारदर्शी है और ये डराने का साधन नहीं है। अगर दो धारी तलवार है तो दो धारी तलवार ये दर्शाती थी कि न्याय जो है वो सबूतों के अध्ययन के बाद किसी पक्ष के खिलाफ फैसला सुना सकता है और साथ ही साथ क्या कर सकता है। मतलब दो धारी का मतलब है कि एक तरफ से तो वो सजा सुनाएगा, फैसला सुनाएगा, दूसरी तरफ से क्या मतलब है कि दूसरी तरफ से वो क्या करेगा, जो बेगुनाह है उनकी रक्षा भी करेगा। क्लियर? उसके बाद आंखों पर पट्टी। तो आंखों पर पट्टी की अगर बात करें तो ये सिर्फ इस चीज को दिखाता है कि कानून जो है वो निष्पक्ष है, इसका दुरुपयोग नहीं हो सकता, कोई भी व्यक्ति कानून की नजर में विशेष नहीं हो सकता, और क्या होगा, और कानून के पहलुओं का दुरुपयोग जो है वो अज्ञानतावश नहीं किया जाएगा। क्लियर? तो ये सारी चीजें थी किसके लिए? ये थी इनके प्रतीकों के लिए। अगर आप देखेंगे न्याय की देवी की कहानी, तो 17वीं सदी में एक अंग्रेज जो है वो इसको लेकर भारत आया था, और 18वीं सदी के दौरान ब्रिटिश राज में इसका जो सार्वजनिक इस्तेमाल है वो प्रारंभ हो गया था। क्लियर? ये चीज आपको समझ में आई होगी कि क्यों इसको इतना ज्यादा दिखाया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं था जो इतना हाइप क्रिएट किया गया, बहुत ही नॉर्मल सी बात थी, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई, वहां पर उसके राष्ट्रीय ध्वज को भी नया लागू किया गया, नए राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया गया राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये सारी चीजें थी। क्लियर? तो यहाँ पर अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पुटअप कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।